हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वजन घटाने के घरेलू उपाय। अपने बढ़ते वजन पर ब्रेक लगाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जिम में घंटों कसरत करते हैं, तरह तरह के वेट लॉस पैकेज लेते हैं, या फिर डाइटिंग के चक्कर में अपनी भूख मारते रहते हैं। वजन कम करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। कोई जिम जाता है तो कोई डाइटिंग करना शुरू कर देता है, तो कुछ लोग उपवास रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि आप सही मायने में अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ कारगर नुस्खे अपनाने की ज़रूरत है। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनको अपनाकर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में हम आपको बताएं। गर्म पानी शहद। रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ शहद पीने से वज़न घटाने में बहुत आसानी होती है। इससे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है और त्वचा भी दमकती है। नींबू पानी। वज़न घटाने के लिए रोज़ सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन भी एक कारगर उपाय है। सर्दियों में जिन्हें ठंड या साइनस की समस्या है, वे पानी को गुनगुना करके उसमें नींबू डालकर पी सकते हैं। गोभी। गोभी की सब्ज़ी या उसके सूप को अपने भोजन में शामिल कर लें। इससे वज़न कम होता है क्योंकि इस सब्ज़ी में कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। दही टमाटर। एक कप टमाटर के जूस में एक कप दही। फैट फ्री। आधा चम्मच नींबू का रस, बारीक कटा अदरक, काली मिर्च व स्वाद अनुसार नमक मिलाकर ब्लेंड कर लें। रोज़ एक गिलास इस शेक को पीने से आपका वज़न तेज़ी से गिरेगा। सलाद। टमाटर और पुदीने की पत्ती युक्त सलाद खाने से शरीर में वसा की मात्रा कम होती है। सादा पानी। शरीर को अपने कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए खूब पानी की ज़रूरत होती है। इससे आपका शरीर भी ठीक रहता है और पानी पीने से मोटापे पर भी नियंत्रण रहता है। ग्रीन टी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में माना कि ग्रीन टी में विशेष प्रकार के फिलोपलॉन्स पाए जाते हैं, जिससे शरीर में फैट्स को बर्न करने में मदद मिलती है। गर्म पानी। हर बार खाना खाने के बाद गर्म पानी पिएं। इससे पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम करता है और शरीर में मौजूद अतिरिक्त वजन कम होता है। करौंदे। करौंदे का जूस भी वज़न घटाने में बहुत फ़ायदेमंद है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और फैट्स कम करने में आसानी होती है। एलोवेरा। एलोवेरा के पत्तों के सेवन से वज़न नियंत्रित होता है, इसीलिए एलोवेरा का सेवन रोज़ करना चाहिए। शाकाहारी। शाकाहार अपनाने से आपकी लाइफस्टाइल में कई बदलाव आएंगे, लेकिन वे कारगर और प्रभावी होंगे। अध्ययन बताते हैं कि ज़्यादा मांसाहार के सेवन का असर भी मोटापे पर पड़ता है। अपीज। सेब में कैलोरी बहुत कम होती है। इसमें मौजूद पैक्टिन नामक फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या संतृप्त वसा के स्तर को नियंत्रित करता है। दिन में दो बार सेब का सेवन करने वाले लोग अपना 16% कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, जो वज़न घटाने में सहायक है। ड्रिंक वाटर। दिन में 8 से 9 ग्लास पानी पीने से भी वेट कम करने में मदद मिलती है। कई शोधों में माना गया है कि दिन में 8 से 9 ग्लास पानी से 200 से 250 कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं। मिक्स फ्रूट। फलों के रस में यदि ऊपर से चीनी ना मिलाई गई हो तो वज़न घटाने का ये बेहद कारगर उपाय होता है। सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ से जहाँ वज़न बढ़ता है, वही दूध, पानी, नारियल पानी, जूस इत्यादि वज़न कम करने में लाभकारी होते हैं। मॉर्निंग वॉक। पैदल चलने से शरीर की मांसपेशियों की अच्छी कसरत हो जाती है। कड़ी कसरत के 90% फायदे मिल जाते हैं। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं और भारी भरकम वज़न उठाना आपको पसंद नहीं, तो आप पैदल चलकर भी कसरत के फ़ायदे पा सकते हैं। एक मील यानी करीब 1.6 किलोमीटर पैदल चलने से
100 कैलोरी तक बर्न होती है। हफ्ते में अगर 3 दिन 2-2 मील की वॉक करें तो हर तीसरे हफ्ते आधा किलो वज़न कम हो सकता है। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।